नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सौरव क्षेत्र के चौपड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत नया गांव में स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में पिछले 12 वर्षों से विद्युत सप्लाई का कनेक्शन कटा हुआ होने के कारण विद्युत सप्लाई बंद है। जानकारी के अनुसार लगभग पिछले 12 वर्ष पूर्व विभाग और चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बिल नहीं भरने के कारण बकाया बढ़कर लगभग 10,000 रुपए हो गया है। तब विद्युत विभाग ने बकाया ज्यादा होने पर पशु चिकित्सालय में लगे विद्युत कनेक्शन को काट दिया, जिससे लगभग 12 वर्षों से पशु चिकित्सालय अंधेरे में ही है। इतना समय बीतने के बाद भी पशु चिकित्सा विभाग ने लापरवाही बरतते हुए अभी तक ना बिल भरा है और ना ही चिकित्सालय में विद्युत की आपूर्ति शुरू करवाई है। चिकित्सालय में विद्युत सप्लाई नहीं होने के कारण पशुओं को लगाने के लिए जो टीका और दवाई आती है उसको भी चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा निजी जगह के फ्रिज में रखकर सुरक्षित रखना पड़ता है। वहीं गर्मी के मौसम में भी उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। यहीं अंधेरे या देर रात्रि को लाइट नहीं होने के कारण कर्मचारी पशुओं का इलाज भी नहीं कर पाते हैं। ताजो की बात तो यह है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी पशु चिकित्सा विभाग ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ नया गाँव पशु चिकित्सालय में पिछले 10 सालों से लाइट कनेक्शन नहीं कटा था, जो वो कट गया और अभी लाइट कनेक्शन नहीं है। और यहाँ देर रात को कोई पशु का इलाज कराने आते तो भी यहाँ समस्या रहती है। ऐसी कोई दवाएं हैं फ्रिज में रखने के लायक तो भी उसमें परेशानी रहती है और वो दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ती है, दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ बहुत परेशानी, इसलिए इस लाइट का प्रबंध किया जाए। मैं मुन्ना खान, नया गाँव निवासी, और हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय बहुत पुराना बना हुआ है मगर इसके अंदर पिछले 10-11 साल से लाइट कटी हुई है। इसीलिए हमें कभी शाम को कोई पशु को लेके आते हैं तो हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से परेशानी आती है। हमारे पड़ोस में से कहीं से लाइट लेना पड़ता है, इस हिसाब से हमारे ये लाइट की व्यवस्था कराई जाए। और जो भी दवाई है अंदर वो किसी दूसरे फ्रिज में जाके रखते हैं तो वहाँ से लाने भी